ना मम्मा गाड़ी में बैठ रखे हैं आराम से, एंड भाई एसी ना कूल ही नहीं कर रहा था। अपन लोगों ने भाई यूट्यूब पे सर्च करा कि गाड़ी का एसी फिल्टर कैसे साफ करते हैं, ये गाड़ी के एसी फिल्टर की हार। हमारे घर का भी ना सिस्टम वैसे अजीब ही है, मेरे को पता ही नहीं चला अभी कैसे एक घंटे तक दीदी के रूम का दरवाजा खुला रहा जहां मैं कल रात को सो रहा था, एंड एसी भी साथ के साथ चल रहा। मतलब भाई एसी घंटा कुछ फिक नहीं करेगा भाई, तुम जितना मर्जी वो कर लो, मतलब ये तो गलत बात है थोड़ी सी। पर चलो कोई ना, एडेंट इस चीज ने अपन लोगों की नींद खोल दी। वैसे भी इट्स ऑलमोस्ट 7:30 इन द मॉर्निंग, एंड आज जो है अपन लोगों ने 10:30 बजे करीब कहीं जा, मतलब दीदी के कॉलेज जाना है 2-3 काम निपटाने के लिए, क्योंकि उनका ये लास्ट सेम है, लास्ट सेम के उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उस करके अपन लोगों को उनकी वो क्या कहते हैं उसको यार, वो जो फोटो सी मिलती है यार, वो फोटो सी लेके आनी है, एंड 2-3 काम और है छोटे मोटे वो पता करके आने हैं, तो उसके लिए भाई आज अपन लोग उनके कॉलेज भी जाएंगे। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपको एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। तो हमारे घर के एक शीशे से दूसरे शीशे तक का सफर, वैसे तो ऐसी सड़ी भूसी सी टी शर्ट देख के तुम लोगों को लग तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा, बट हाँ भाई इसी एक मिली सेकंड के सफर में अपन लोगों का नहा धोना भी हो चुका है, अपन लोगों के घर की सफाई भी हो चुकी है, एंड ऑलमोस्ट 10 भी बज चुके हैं, यानी कि अपन लोगों का व्लॉग भी एक मिनट में लाइव होने वाला है, यानी कि 9:59 हो चुके हैं। एंड भाई ऑब्वियसली बात है, मैं ऐसी टी शर्ट डाल के तो दीदी के कॉलेज जाऊंगा नहीं, तो वो भी चेंज करना पड़ेगा। एंड भाई जब जब मैं अपने फर्स्ट फ्रेम जो होता है वो और इस फ्रेम में और सेकंड फ्रेम में जब ये स्विच करता हूँ ना, और इसमें गैप आ जाए तो थोड़ा तो अजीब लगता ही है जैसे आज, बट कोई ना चलता है। तो भी फटाफट चलते हैं, चल के बढ़िया तरीके से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद कपड़े डिसाइड करते हैं, तो ब्रेकफास्ट करके कपड़े डिसाइड करके ही तुम लोगों को आराम से मिलते हैं, तब तक तो मेरे हिसाब से निकलने का भी टाइम हो ही जाएगा। एंड दीदी ने प्रॉमिस करा कि उनके कहीं कॉलेज के पास के बर्गर्स काफी ज्यादा फेमस है, तो अपन लोग वो भी खा के आएंगे, एंड मेरा मेन एम तो यार वही है, क्योंकि कल भी बर्गर खाया था, आज भी खाऊंगा और कल भी खाएंगे। यार मैंने ये नवी टी शर्ट डाल तो ली, एंड ये लग हद से ज्यादा प्यारी रही है, मतलब एक तो तुम्हारा भाई यही इतना स्मार्ट, ऊपर से ये वाले रंग, मतलब कैमरे में तो कुछ भी जस्टिस नहीं कर पा रहा, बट रियल लाइफ में इतना प्यारा पर्पल कलर है ना ये। एंड भाई चश्मे भी नवे डाल लिए, एकदम बड़े तरीके से तैयार तो हो लिए, बट सीन पता है क्या है, अगर गलती से भी अपन लोग का जो बर्गर खाएंगे उस पर अपन लोगों की ग्रेवी गिर गई ना इस टी शर्ट पे, भाई मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, हद से ज्यादा बुरा लगेगा। बट चलो कोई ना, एट द एंड इट्स ऑलमोस्ट कितने बज चुके हैं, 11:42 इन द आफ्टरनून, नहीं मॉर्निंग, सॉरी आफ्टरनून तो 20 मिनट बाद शुरू होगी। एंड अभी जो है अपन लोग निकलने के लिए एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो ही है, अभी थोड़ी सी भाई हवा रोटेट कर रहे हैं, उसके बाद एसी चलाऊंगा। अपन लोग निकलने के लिए एकदम बढ़िया तरीके से तो तैयार हो ही है, बस पापा और मम्मी हो रही आ जाए, पापा को तो खैर मैंने रूम देगी, मैं ब्लॉक करते नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है, पापा मम्मी हो रही आ जाए और दीदी भी आ जाए, अपन लोग फटाफट चलते हैं, पापा को अपन लोगों ने एक जगह भी ड्रॉप करना, उसके बाद फिर मैं मम्मा और दीदी अपन जाएंगे दीदी के कॉलेज, उनका वो परफॉर्मर वगैरह जो भी सामान लेके आना भाई, मेरे को घंटे का नहीं पता, बस लेके आना अपन लोगों को कॉलेज कुछ ना कुछ। अभी ना अपन लोग दीदी की यूनिवर्सिटी के पास ही हैं, मतलब गाड़ी अपन लोगों ने यहाँ पे खड़ा रखी है, मैं और मम्मा गाड़ी में बैठ रखे हैं आराम से, एंड भाई एसी ना कूल ही नहीं कर रहा था। अपन लोगों ने भाई यूट्यूब पे सर्च करा कि गाड़ी का एसी फिल्टर कैसे साफ करते हैं, ये गाड़ी के एसी फिल्टर की हालत है भाई हमारे की, मतलब ठंडा कहाँ से ही करेगा भाई जब फिल्टर इतना ज़्यादा जाम हो रखा होएगा, ये मतलब चूहे की पॉटी वगैरह सब कुछ, गेहूं वगैरह पता नहीं क्या क्या नहीं है। अगर मम्मी पानी की बोतलें लेके आई थी, अभी इसको हाल फिलहाल ऐसे ही साफ कर देते हैं कि मेरे कपड़े भी ना गंदे हो जाए, बट भाई ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए रख रखा है, फिर इसको साफ सुफ करके दोबारा से लगा दूंगा। गंदा देखो यार कितना ही ज़्यादा हो रखा है, एंड अभी अपन लोगों ने चीज़ पैटियाँ खाई, ये देख के वो चीज़ पैटी कहीं बाहर ही ना आ जाए भाई। तो भाई ये देखो
अभी भी मतलब प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हुआ फिल्टर, बट कंपेरेटिवली ऐसा होना चाहिए एसी का फिल्टर, गाड़ी के एसी का। एंड ये भी मैंने गूगल पे सर्च करा, मतलब यूट्यूब पे सर्च करा, एंड ये मेरे को देख के काफी ज्यादा खुशी हो रही है। अभी मैंने ये डाल के एसी चला के भी देख लिया भाई, मतलब दिन रात का फर्क पड़ गया। तो फटाफट इसको लगाता हूँ एंड फिर दीदी का भी काम हो चुका है, जो सामान लेके आना था वो भी, फिर एसी भाई बढ़िया तरीके से अब गाड़ी ठंडी हो रही है एकदम चिल। भाई मैं सोचा इसका तो एसी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, पता नहीं क्यों इतना काम नहीं कर रहा, इस करके ही काम नहीं कर रहा था। तो भाई बर्गर वगैरह तो अपन लोगों को मिला नहीं, तो मैंने तो वैसे चीज पार्टी खा ली थी, तो मेरा तो कुछ और खाने का मन है नहीं। मम्मा और दीदी के लिए मैं यहाँ पे छोले कुलचे पैक करा के लेके जा रहा हूँ, यही बढ़िया रहेंगे, वो आराम से गाड़ी में बैठ के खा भी लेंगे। एंड जब तक अपन लोग गाड़ी पापा के ऑफिस, मतलब पापा के ऑफिस क्या कह रहा हूँ, पापा के फ्रेंड के ऑफिस के पास भी लगा देंगे, जहाँ से उनको हमने पिक करना है। यार मैं तो ना सारा रोज ही व्लॉग में डायलॉग बोलने लग गया भी। वैसे तो अपन लोगों को घर आए को ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं, यानी कि इट्स ऑलमोस्ट 4 in the evening afternoon. हाँ एंड भाई मतलब जरा ही मैं थकावट होगी, बीच में अपन लोग वेरका के बूथ भी रुके, पेट्रोल भी डलवाया, पापा को भी पिक करा, एंड फिर चुपचाप अपन लोग घर आ गए। एंड अभी का सीन कुछ इस प्रकार है, अभी एज यूजल अपन लोग लेने जा रहे हैं लस्सी अपने शाम के खान पान के लिए, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फटाफट चलते हैं, यहीं तक ही जाना, विशाल डेयरी तक, ज़्यादा दूर भी जाना, लस्सी पिक करके आते हैं, उसके साथ देखते हैं अगर और कुछ का ऑर्डर आता है और कुछ भी ले लेंगे। बाकी भाई सबसे मोस्ट प्रायोरिटी तो अपन लोगों की भी लस्सी ही है। एंड अभी ना सिर्फ मैं और मम्मा ही जा रहे हैं, क्योंकि वैसे मैं और मम्मा एक्टिवा पे बहुत ही कम ही निकलता है, गाड़ी में तो फिर भी अपन लोग घूमते रहते हैं, बट वो भाई एक्टिवा पे घूमने का, अपने मतलब पुंडे पे घूमने का अपन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता कभी। तो इसी करके मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब जब शाम में अपन लोग कहीं भी जाएँ ना, या किसी काम से जाएँ, तो मम्मा चले अपन लोगों के साथ। ना जी हम बेचारी हमारी गाड़ी भी 150 किलोमीटर तो चली गई होगी, वहाँ चंडीगढ़ के बीचों बीच इतने सारे काम हो गए भाई। तो भाई लस्सी के साथ साथ अपन लोगों ने दही भी ले ली, क्योंकि उसकी भी घर पे कहीं ना कहीं कमी हो रखी थी। लेकिन एक बात बढ़िया, मतलब घटिया भी हुई बढ़िया हुई, कि अंदर ना एसी नहीं चल रहा था। अब घटिया ही इस करके हुई क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, एंड बढ़िया इस करके हुई कि भाई अपन लोगों को गर्म सर्द नहीं होगा। तो फटाफट चलते हैं घर पे, सामान ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद भाई अपन लोग एसी अपने थोड़ा सा और गेड़ा मार के आते हैं। वैसे अनएक्सपेक्टेडली हमारे लाइफ में कितने ही सारे प्लान्स बनते हैं। 2 मिनट से पहले तो मेरे को चश्मा चेंज करने दो। अभी ना थोड़ी देर पहले अपन लोगों का ये था भी, अपन लोगों ने आराम से घर पे बैठ के घर का खाना खाना है। एंड अभी का सीन कुछ प्रकार है भाई, अपन लोगों को तत्काल में जाना पड़ रहा है किसी फंक्शन में, यानी किसी का गृह प्रवेश है। मैं मम्मा और दीदी जा रहे हैं, बाकी मामू और ही जा रहे हैं, तो भाई अब जाना तो पड़ेगा ही, पप्पा का जाने का मूड नहीं है, तो इस करके वो घर पे ही बैठ रहे हैं। तो हाँ एंड अभी इट्स ऑलमोस्ट 8:30 इन द इवनिंग, एंड कल मेरा एग्जाम भी है। तो चलो कोई ना, अभी जो अपन लोग अपने वॉलेट में पैसे वगैरह डालते हैं, क्योंकि मेरे वॉलेट में पैसे खत्म हो चुके, पॉकेट मनी खत्म हो चुकी है। इस हिसाब से पॉकेट मनी खत्म हुई है 12 जून, ठीक है, फिर भी अभी और मांग लगा कोई ना। तो गाड़ी का गाज उठाते हैं, वॉलेट में पैसे डालते हैं, फोन वगैरह उठाते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से निकलते हैं। एंड अपन लोगों ने जाना है बल्टाने, एंड तुम लोगों को सीधा बल्टाने पहुंच के खाने पीने दिखाते हैं, और क्या ही दिखाएंगे पार्टी में। Look the other way, sun is out.